एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड हैविंग अ गुड टाइम सो फार वेलकम टू अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज मेरा नाम है दिव्या ओला और आज के सेशन में हम जो फायरफ्लाईज हैं उनके एक्सटिंगक्शन के बारे में बात करेंगे फायरफ्लाईज को हिंदी में जुगनू कहते हैं और ये विलुप्ति की कगार, कगार पर हैं तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं जुगनुस का या फायरफ्लाईज का एनवायरमेंट में कितना इंपॉर्टेंट रोल है क्या होते हैं ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे ये क्यों रिलेवेंट है हमारे लिए जानना बिकॉज़ पेपर के इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन का कहीं ना कहीं ये हिस्सा बनता है सो लेट अस गेट स्टार्टेड सबसे पहले अगर हम ध्यान दें कि चर्चा में क्यों है तो यहां पर हाल ही में अगर हम देखें तो अम्बरीश मोरे ये एक शख्स हैं जिन्होंने 2012 के अंदर महाराष्ट्र में जुगनू महोत्सव या जुगनू फेस्टिवल की शुरुआत करी थी सो प्लीज टू रिमेंबर कि जुगनू महोत्सव जुगनू महोत्सव या जिसे हम जुगनू फेस्टिवल भी कहते हैं साथ ही इसका नाम काजवा महोत्सव भी कहा जाता है काजवा ठीक है के ए जे डब्ल्यू ए काजवा फेस्टिवल या महोत्सव भी कहा जाता है इन्होंने शुरुआत करवाई थी 2012 में और हाल ही में जून मई के दौरान इन्होंने सरकार से ये गुहार लगाई है कि इस फेस्टिवल को बंद कर दिया जाए अब ये फेस्टिवल स्पेशली किसके लिए था यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये फेस्टिवल हुआ करता था जुगनूस के लिए ठीक है टूरिस्ट उनको आते थे देखते थे उनके इकोसिस्टम को समझते थे हैबिटेट को समझते थे पर सरकार ने इस महोत्सव पे क्या लगा दी थी बंद कराने की इन्होंने मांग करी है क्यों ऐसा हुआ है क्योंकि टूरिस्ट क्या करते हैं टूरिस्ट की वजह से जो फायरफ्लाईज या जुगनूस है उनको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है उनका अपना हैबिटेट लॉस हो रहा है साथ ही में दूसरी चीज कि जब भी यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं तो बहुत सारा लिटरिंग मतलब बोल सकते हैं कि कचरा फैला रहे हैं गंदगी कर रहे हैं राइट right? दूसरी चीज फोटोग्राफी अलाउड नहीं है फिर भी फ्लैश लाइट से यहां पर यूज करते हैं उनके पिक्चर्स को कैप्चर करने के लिए तो इससे जुगनूस का इकोसिस्टम उनका जो रिप्रोडक्टिव जो समय है सारी चीजें जो है यहाँ पर क्या हो रही है हो रही है राइट right? और साथ ही में बहुत सारे जुगनू मर भी जाते हैं लोगों के पाव के नीचे दबके तो वजह से हमें जुगनू के संरक्षण या फायर यहाँ को प्रिजर्व करने के लिए यहां पर कदम बढ़ाने हैं तो इसीलिए है इस पर रोक लगाई जाए अब हम समझते हैं कि जुगनूस होते क्या है राइट वॉट इज देयर रोल इन द इनवायरमेंट तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे तो फायर जिन्हें हम जुगनू कहते हैं ये लैम्पी करके एक फैमिली है ठीक है तो साइंटिफिक नेम लैम्पी रेडी सो so, वहां से ये बिलोंग करते हैं दूसरी चीज ये अपने बायोल्यूमिनेसेंस या फिर जैव प्रकाश का उपयोग करते हैं देखो बायोल्यूमिनेसेंस मतलब एक तरह से उनमें ऐसा पिगमेंट होता है जो कलर यहाँ पर या फिर लाइट जो होती है वो यहाँ पर प्रकाश जो है वो जारी करता है अभी होता क्यों है एक केमिकल रिएक्शन एक रसायनिक प्रक्रिया की वजह से लुसी करके एक एलिमेंट होता है राइट जिसमें केमिकल रिएक्शन होने से इस तरह की फायरफ्लाइज या जुगनूस जो इंसेक्ट्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये खुद से ही क्या करते हैं लाइट यहाँ पर जनरेट करते हैं राइट तो इस तरह से अगर आप देखें तो बायोलुमिनेसेंस एक्टिविटीज जुगनूस के द्वारा यहाँ पर दिखाई जाती है तो ये हमने ये चीज पढ़ी कि चमकते हैं राइट दे आर बायोलुमिनेसेंट इन नेचर क्या होते हैं जैव प्रकाश के कारण चमकते हैं दूसरा चमकने के कारण क्या है तो मीटिंग कम्युनिकेशन के लिए अपने साथी को चुनने के लिए आकर्षित करने के लिए ये इस तरह के क्या करते हैं लाइट प्रोड्यूस करते हैं और तीसरी चीज अगर मैंने बताई आपको वो क्या कि ल्यूसिफेरिन ठीक है यू हैव टू रिमेंबर कि ल्यूसिफेरिन करके जो केमिकल यहां पर एलिमेंट पदार्थ मटीरियल है उसके रिएक्शन से ये यहाँ पर प्रकाश यहाँ पर क्या करते हैं जनरेट करते हैं सो so, ये चीजें हमने पढ़ी किसके बारे में फायरफ्लाइज के बारे में अब जुगनूस के साथ ऐसा है कि इनको रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होती है कम लाइट चाहिए होती है जुगनू जो है या फ्लाइज जो हैं वो हमेशा सूर्यास्त के बाद ही चमकते हैं मतलब आफ्टर सनसेट जब लाइट की जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम हो जाती है रोशनी का जो स्तर है वो बहुत कम हो जाता है पर अब हम ये देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल लाइट जो हम यूज़ करते हैं उसकी प्रेजेंस में अब ये खुद की जो रोशनी है वो इतनी इफेक्टिवली नहीं यू नो जनरेट कर पाते जिसकी वजह से मीटिंग जो है वो कम हो रही है रिप्रोडक्शन यहाँ पर कम हो रहा है और जुगनूस की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे संख्या जो है वो कम हो रही है और एक ऐसा समय आ सकता है कि पूरी तरह से क्या हो जाए एक्सटिंक्ट हो जाए मतलब विलुप्त हो जाए राइट तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो फायर फ्लाई करते हैं किसके साथ आर्टिफिशियल लाइट के साथ अगर आप देखें तो ये पूरा जो आपका दृश्य है क्योंकि सनसेट के बाद उनका एक स्पेसिफिक टाइम है राइट जब ये एक्टिविटीज इस तरह की करेंगे सेकेंडली इस तरह का लाइट पोल्यूशन रहता है तो जुगनूस की जो लाइट जनरेट प्रोड्यूस करने की इंटेंसिटी है वो काफी ज्यादा अफेक्ट होती है राइट बहुत अधिक चमकने का ये प्रयास करते हैं जिससे ओवरऑल इनकी लाइफ पे भी बहुत असर पड़ता है तो ये चीज हमने देखी कि आर्टिफिशियल लाइट की प्रेजेंस के अंदर ही इतना ब्राइट फ्लैश नहीं कर पाते जिससे मेट नहीं मिलते और नेगेटिवली रिप्रोडक्शन पे और उनकी हेल्थ पे काफी असर पड़ता है राइट तो ये चीज हमने पढ़ी दूसरी चीज अगर आपको कोई पूछे कि ये मेजरली हमें कहाँ मिलते हैं तो प्लीज टू रिमेंबर कि टेम्परेट मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और ट्रॉपिकल रीजन राइट right? जो उष्ण है हमारी पूरी पृथ्वी अलग अलग बोल सकते हैं क्लाइमेटिक ज़ोन्स या हीट जोन्स में बटी है जहां पर जिस तरह की सूरज की रोशनी पड़ती है उस जोन में आता है जहां पर सीधी रोशनी पड़ती है तेईस डिग्री तेईस हाफ डिग्री कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में वो ट्रॉपिकल जोन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है और जहां पे सूरज की स्लैंटिंग रेज पड़ती है जहाँ ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म रहता है वो टेम्परेट जोन कहलाता है तो जनरली फायरफ्लाई इन्हीं दो क्षेत्रों में पाए जाते हैं या फिर वेटलैंड वेटलैंड्स क्या होती है वो भूमि जहाँ पर है ना थोड़ा सा मॉइस्चर है गीलापन है छह मीटर तक का पानी रहता है अकॉर्डिंग टू रामसर कन्वेंशन तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी दूसरा इनका जो लाइफ स्पैन है वो ज्यादा नहीं होता बहुत ही कम जीने वाले ये क्या होते हैं यहाँ पर ऑर्गेनिज्म होते हैं एक वीक से लेके कुछ महीनों तक ये यहाँ पर इनकी लाइफ स्पैन रहता है तो ये हमने पढ़ा जुगनूस के बारे में अब हाल ही में यूरोप और एशिया में कुछ ना कुछ रिसर्च स्टडीज हुई हैं जिनके अकॉर्डिंग ये पता चला है कि इनका जो पॉपुलेशन है इनकी जो संख्या है वो खतरे में है राइट क्योंकि अगर हम बात करें तो इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो क्या हो रहा है कम हो रहा है जंगलों में रहते हैं या फिर हमारा जो इंक्रीजिंग रैपिड जो अर्बनाइजेशन है इंडस्ट्रियलाइजेशन है जिससे अब हम फॉरेस्ट में भी इन्वेट कर रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज उनकी वजह से इनका नेचुरल हैबिटेट क्या हो रहा है खत्म हो रहा है और दूसरा प्रकाश प्रदूषण जो लाइट पोल्यूशन है वो उसके सामने काफी वलनरेबल होते हैं और कहीं ना कहीं मीटिंग को यहाँ पर नहीं कर पाते तीसरी चीज संचार में अधिक जो आर्टिफिशियल लाइट है वो उनकी कम्युनिकेशन में हैम्पर करती है और क्लाइमेट चेंज भी एक कारण है जिससे उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है अब अगर हम बात करें इकोसिस्टम में क्या रोल है जुगनूस का तो सीधी सी बात है कि जब हम कोई भी फूड चेन या फूड वेब समझते हैं तो पूरा जो इकोसिस्टम है हमारा वो एक चेन के आधार पर चल रहा है अगर कोई भी स्पीशी कोई भी ऑर्गेनिज्म बीच में से खत्म हो जाता है गायब हो जाता है तो पूरे इकोसिस्टम पे असर आता है जो कि अभी हम रिसेंटली यूपी में हो रहे जो ऑपरेशन भेड़िया है उसमें भी हम देख सकते हैं क्यों कि क्योंकि हम कहीं ना कहीं नेचुरल हैबिटेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं या फिर किसी एक ऑर्गेनिज्म की वहां पर क्या कर रहे हैं कमी कर रहे हैं एक हैबिटेट का लॉस हो रहा है तो यहाँ पर जो हमारे उस चेन में जुड़े हुए ऑर्गेनिज्म हैं वो दूसरे रास्ते अपनाते हैं और उस चेन को तोड़ देते हैं जिससे पूरा इकोसिस्टम यहाँ पर इम्बैलेंस हो जाता है राइट तो फायर फ्लास्क फ्लाइज के साथ भी ऐसा ही है उनका काफ़ी यूज है मेडिसिन में ले लेते ले हैं हम हम यहाँ पर अगर हम बात करें फर्टिलाइजर्स में बहुत सारे यूजेस हैं आपके जुबनूस के राइट एंड अब इनकी वजह से जो लाइट पोल्यूशन है या जो बोल सकते हैं ह्यूमन इंड्यूस्ड यू नो एक्टिविटीज है तो उसकी वजह से रिप्रोडक्शन पर काफी नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है तो जुगनुओं कोई संरक्षण मतलब वी हैव टू प्रिजर्व दैम और प्रिजर्व करने के लिए हमें उन्हें नेचुरल हैबिटेट को क्या करना पड़ेगा कंजर्व करना पड़ेगा राइट जो लाइट पोल्यूशन है उस पर कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर रोक लगानी होगी और जो भी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में हम क्या करते हैं जो हार्श केमिकल्स यूज करते हैं अगर वो वहाँ पर जाके उस तरह निवास करे तो वो उन्हें भी हैम्पर करेगा उन पर भी इफेक्ट डालता है वो भी हमें कम करना चाहिए और उनके उनसे रिलेटेड हमें शोध मतलब रिसर्च और बोल सकते हैं डेवलपमेंट में काम करना चाहिए राइट तो ये हमारी रीसेंट में आई हुई एक न्यूज़ थी आई होप आपको पसंद आई होगी इस पूरे कंटेंट को एक्सेस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला डॉट कॉम पर विजिट कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग